तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस क्लास में मैम ने पूछा कि आप लोगों में से मैम खड़ी हुई मैम चल रही पता कमेंट में ही आया था आगे कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। तो गाइस हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है, मैं हंसी आ रही होती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूं। भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। Supune, what do you like the most about LPO? You may have girlfriends or you may excuse me. You like the most hair? कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। क्या कर रही है तू? Yeah. तो guys हमारा final year आने वाला है ना, इसलिए हमें project मिला। कितने पैसे? और basement part would like actually. क्या क्या बोला तूने? हमने अभी क्रिकेट में कुछ तो बेनिफिट्स दिए होंगे ना? ये तो पर्सनल क्वेश्चन है। बंद करो बता दो। तो भाई फ्री रह रहे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री खा रहे हैं। वाओ! पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई को ना करें। डिस्को दीवाने करना। आहा। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग ग्रेट। आज है सैटरडे और मेरी क्लास है प्लेसमेंट प्रिपरेटरी वाली। सैटरडे को भी जीने में देते दो क्लासेस हैं। मैं लेट हो चुकी हूँ, बारिश हो रही थी ना, तो मैं मिलती। कुछ भी स्काई देखियो। ये क्लास है तुम्हारी? नहीं, तो भाई देखो पढ़ नहीं रहती है। क्लास में मैम ने पूछा बगल में भंडारा कहाँ हो रहा है? तो गंगा चतुर्वेदी आपकी जो ब्लॉगर है वो कहती देख मैम खड़ी हुई मैम चल रही। सारी वीडियोस में ना सेम कमेंट करता है कि आप इतने क्यूट। उसका इंस्टा पे मैसेज। तो गाइस हम दोबारा से आगे, दोबारा से नहीं, वैसे हम कितनी बार आ चुके हैं? दोबारा तो सेकंड टाइम आया है। रहा है तिबारा, तिबारा भी नहीं आया है, चौबारा, उससे भी ज्यादा। मिलियनारा, वन बाइट, सायनारा। हम जब भी आते पुनीत भी दिख जाता है, क्योंकि पुनीत भी, पुनीत व्लॉग नहीं बनाता पर वन बाइट आता है वो हमेशा। देखो कहाँ आ गया। तो गाइस अब हम ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, पता है? खाते चिंचन देखेंगे, पता है? चिंचन हमें देखेगा गाइस खाते हुए। सामने देख ले कहाँ जा रही है। इधर इन सी व्यू में बैठेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गाइस जैसे आपने वो ऐड देखी होगी ना, बूस्ट द सीक्रेट, देखियो कैसे सीख रहा हूँ ब्लॉग। बूस्ट द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, फिर अनिल जी इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है, मैं हंसी आ रही होती है। ये देखो क्या हो रहा है। हवा में कौन कार चलाता है? हवा में कौन कार चलाता है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस जब इसका मन करता है ड्राइविंग करने का, छत पे काम चल रहा था इसलिए वो कार्ड ऊपर लेकर जा रहे थे। छत पे काम पता है क्या चल रहा था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रही थी। मोनी यहाँ। अच्छा, सो गाइस हियर वी आर पुनीत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो पुनीत, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट एलपीयू? There are so many things that I like about this university, such as diversity and the type of exposure I'm getting from here is pretty amazing.
Hostel services are good to a point, but yeah, so there are so many rules that change very often that we don't even know that exist. But everything is pretty fine so far. What are your views about safety for girls? I'm not a girl anyways. What did you observe? Yeah, as a boy, what are your views about the safety of the girls? You may have girl friends, or you may have friends. Yeah. No, you would have been female friends. Girl friendly, so. Safe and secure for them. Anything unique about? Different. I think most of the people are not so much concerned about the innovations and publishing research papers and all, but yeah, if you are part of for you to grow and to get more exposure towards the technologies. Thank you. Thank you. कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो गाइस आपको नजर नहीं आ रही होंगी। ऐसे अब नजर आएगी, अभी भी नहीं आ रही। तो गाइस देखा, एडिप्यू में पढ़ने का भाई था। चल चल, इन दोनों को ही पकड़ना था, क्या कर रही है तू? मैं कोई बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ नहीं होता। ये जो लड़की आ रही है ना, उसको पूछ। चल, ये मास्क ये नहीं नहीं ये ब्लैक वाली क्या है? ये तो हंसे जा रहे लोगों ने, कहने मकसद क्या है इसको? ये इसको पूछो, ये जो चल के आ रहा है ना, पजामा। अरे ऐसे करोगे नहीं बननी। I like the greenery. Anything regarding studies? Regarding studies, I like the library, that we can go and study by ourselves. I live in hostel GH4. So what do you think about girls' safety? It is very safe for girls inside the campus. Activities like inside the girls hostel there is a yoga teacher who comes every day in the morning and evening. So anybody can come and contribute towards fitness. I think I like that. Okay, thank you. Yaar ye kitni awesome hai yaar. Very nice thing. Same yaar. Sun to lo, Asia ki number 1 library. बिगेस्ट लाइब्रेरी, एशिया की सबसे बिगेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी है ये, एलपीयू की। और सबसे सबसे बड़ा वो बुक का कलेक्शन है ना, वो है। और इन्होंने अभी रिसेंटली नीचे बेसमेंट भी करी है लाइब्रेरी में। आप सर्च भी कर सकते हो वैसे, आता है। और पता है लाइब्रेरी के अंदर फोन बूथ भी है। अरे लाइब्रेरी के अंदर फोन बूथ भी है यार, ये आज भी कर रही है। वो तो सब लाइब्रेरी में होती है। नहीं वो जो इंडिका सागर की वोटी चलाती थी ना, वो उसको जीप में कन्वर्ट करके यहाँ पे बांध दिया। जब पढ़ाई से थक जाते हो तो यहाँ पे गेम जोन भी है। तो गाइस हमारा फाइनल ईयर आने वाला है ना, इसलिए हमें प्रोजेक्ट में कितने पैसे हमारे लास्ट ईयर के लिए, तो हमने ये बनाया है। अच्छा, कोको कोला ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। हमने बनाया। तो गाइस इसे कॉल भी जाती है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। आप मैं नहीं करती, तो मैं नहीं करती। इनका फर्स्ट ईयर होगा, इसको ये सेकंड थर्ड ईयर तक आते आते थोड़ा चला गया। डर के आगे जीत है। क्या क्या बोला तूने?
फिर एक सेकंड ओके थैंक यू चल चल वीडियो के लिए तो देना है स्पोर्ट्स में कैसी यूनिवर्सिटी है ये पांच कैसे अलग है दूसरे दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हमने अभी क्रिकेट में इसी साल ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है तो फैसिलिटीज अच्छी है खेलने के लिए कोचेज अच्छे हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी होती है लाइक कुछ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है इसमें हाँ है तो सही है कुछ आइडिया नहीं बट है स्कॉलरशिप आपको कैसे हेल्प करी है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प इस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर न डाल के आप अपने गेम पे भी फोकस कर सकते हो और आप अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकते हो क्योंकि अगर आप दो पर्सन हो तो सिर्फ एक ही चीज़ भी वो नहीं कर सकते सिर्फ खेलो या दोनों को आप बैलेंस करके खेल सकते हैं तो लाइक स्पोर्ट्स की वजह से आपके एकेडमिक्स में कुछ तो बेनिफिट्स दिए होंगे ना बेनिफिट्स नहीं कोई बात नहीं बंद करो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना तो गाइस एक रिव्यू मैं आपको देती हूँ कि आप ना आपको 9:30 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं फ्री आएगा नहीं 12 बजे तक 12 बजे तक नहीं जब आप सोते हुए पिज्जा ऑर्डर करोगे तो फ्री में आएगा बताओ क्यों क्योंकि आप सपने में करोगे नहीं नहीं वो नहीं सच में आता है हॉस्टल में रात के 12 बजे तक आता है नहीं आएगा तो फ्री आएगा मैं कह रहा हूँ सपने में अगर करोगे क्योंकि वो आएगा अच्छा अच्छा इधर आ इनसे पूछ थैंक यू बोल आपको यूनिवर्सिटी के बारे में हम तो स्पोर्ट्स वाले हैं जब हमें स्पोर्ट्स है बहुत बढ़िया लगेगा स्पोर्ट्स की वजह से कुछ बेनिफिट्स होंगे कुछ स्कॉलरशिप भी स्कॉलरशिप भाई फ्री रह रहे हैं फ्री पढ़ रहे हैं फ्री खा रहे हैं वाओ खेल रहे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक कौन से स्पोर्ट्स में हो एथलेटिक्स बूस्ट करा इन्होंने बूस्ट क्या सब चीज कर रहे हैं डाइट वाइट दे रहे हैं सब चीज अपना आगे खिला रहे हैं खेलो इंडिया वगैरह सारे गेम खिला रहे हैं अच्छा अगर आप करने वाले हो तो आपको कराते हैं कराते क्या है सुबह शाम जाना पड़ेगा प्रैक्टिस पे दोनों स्कॉलरशिप पर निकाल दिया मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है अपॉर्चुनिटीज बहुत है थैंक यू पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ पढ़ाई पढ़ाई बना कर ओके थैंक यू इतना कुछ लोगों ने बताया तो मेरे को भी एक चीज पता मैं भी शेयर कर देती हूँ क्या कि हमारी पता क्या है क्या एलपीयू में अलग चीज क्या है सीएससी में क्या बीटेक सीएससी में के क्या 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 ये लोग हर साल ना सिलेबस को अपग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू के जैसे हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जो चीजें चाहिए एक बच्चे में जो ढूंढते हैं क्वालिटीज तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो सब्जेक्ट सब अपग्रेड करते हैं और प्लेसमेंट वर्कशॉप भी अलग से लगाते हैं उसके लिए मूक्स वगैरह भी तो डालते हैं उसने कितना सही बोला ना ये तो हमने सोचे ना कभी भी कि मूक्स जो रजिस्ट्रेशन कितनी बेनिफिट करती है हां सीए के नंबर हमारे टेस्ट होते हैं तो सीए के मार्क्स फुल लग जाते हैं बस हो गया तो गाइस व्हाट इज अप नथिंग इज अप गाइज हमारे पास आज ना तो गाइज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वो देखो क्या बना रहे ये लग रहा है आपको कि ये एलपीयू गाइज आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल पहिया है लेकिन ऐसा नहीं है इसके पीछे बहुत डीप मैसेज है इसने वीडियो बंद कर दी नहीं अच्छा ऑन डीप मैसेज है उधर से क्या घुस रही है ये रहा रास्ता तो गाइज देखो इन्होंने स्पेशल रास्ता बनाया सिर्फ हमें बताया हमें रास्ता किसी और को नहीं पता क्या कवर कर दे उसको कवर आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल व्हील है बट ऐसा नहीं है ये फर्स्ट एवर व्हील है जो मैनकाइंड ने सबसे पहले जो व्हील की इन्वेंशन की थी ना वो वाला व्हील है लेकिन क्या हुआ था इसको ट्रांसपोर्ट करते वक्त ना तोड़ दिया था इन्होंने देखो वो जो क्रैक्स है ना
ये देख। हाँ, हाँ, हाँ। तो यही चीज उसको ना अपने आप में खास बनाती है कि वो टूटने के बाद भी उसको उन्होंने बहुत मेहनत से उसको जोड़ के वैसा रखा है। और एक और चीज दिख रही है तुझे? क्या? वो जो लैंडस्केप नहीं बनाते थे हम, पहाड़ और पीछे सन, वो बनाया हर्ष, तुम्हें क्या स्टोरी बताई? अच्छा ऐसा है क्या? तो वो जब टूटा था ना व्हील, जब टूटा था ना व्हील, तो ये बन गया था। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने ही तोड़ा था इसको, लेके आ रहे थे ना, मैंने ये बुक्स के ऊपर रखा हुआ इन्होंने, और सोचो व्हील, ये बुक्स थोड़ी पत्थर है, ये बुक्स बनाई है उन्होंने, पत्थर से, पत्थर है, पत्थर से बुक्स बनाई है। तो गाइस हमने इतनी फीस भरी है, मैंने ना सुबह फोन नहीं चार्ज करा घर पे, कि मेरे को ये था कि मैं यूनिवर्सिटी से करूंगी इतनी बिजली। हाँ, यूनिवर्सिटी से हम लेंगे। पता है एक टीचर महोदय बता रहे थे, हम नहीं, वो बता रहे थे, कहते कि एलपीयू की एक दिन की बिजली कितनी होती है आपको पता है? ओ हाँ, तो कहते हैं 10 लाख। हमारा वाला तो सीधे 10 करोड़ कहते हैं एक ब्लॉक की हुई है, तो 10 लाख कितने ब्लॉक हैं, तो कितने हुए? पहले दिन ही उसने ये बताया था ना हमें। हाँ, पहले दिन ही अपनी छाप छोड़ दी थी। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, तो गाइस अभी आपको चल दिया, हम एग्रीकल्चर ब्लॉग भी लेके जाएंगे, ठीक है, लॉ ब्लॉग भी लेके जाएंगे। गाइस हम आपको MBBS ब्लॉग भी ले जाएंगे, जो अभी बन रहा है। बस बन गया? नहीं नहीं, अभी तो मिट्टी है। स्टारबक्स भी बन रहा है, पता है गाइस आपको? बन तो गया, वो तो बाहर है। हां, एलपीयू में, एलपीयू के अंदर। हां, एलपीयू में वो भी बन, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है स्टारबक्स यहां से एलपीयू से। अच्छा, पर एलपीयू के अंदर से इतना वॉक करना पड़ता है कि बाहर जाके क्या? ये देखो, यहां से देखो क्या, ये देख, क्या देख लिया तूने? लग, ये देख, हां एसिड एसिड सा लग रहा है ना, अलग सी चमक सी आ रही है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ। क्या मतलब यार, एसिड रेन हो गई? एसिड रेन गाइस, हम यहां पे फोन चार्ज कर रहे हैं, और ये देखो ये फोन में मेरी ऑक्सीजन हो जा रही है। डिस्को वा, डिस्को दीवाने। वैसे मेरे को फोन कर रहा है कि मैं उसको चार्ज कर, बोला था कि डिस्को क्या, डिस्को दीवाने तो कर, आहा। मैं टॉर्च मारता हूँ ऊपर से, वो टॉर्च मार, डिस्को दीवाने करना, आहा। दिखाना जी, करियो करा, डांस करता होता है, ऐसे डांस करता होता है ना, करियो मोर मोर। एक और चीज बताओ, यहाँ पे हर एक त्यौहार के बाद रात को 3 बजे तो वो क्यों बोलेंगे, वो कुछ सो रहे हैं, प्लीज कुछ सो रहे हैं, बोलते बोलते कभी विदाउट हो जाते। बाय। तो गाइस हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कमेंट में बताना हमारा घर कहाँ पे, हम भूल गए गाइस, अपने भी ब्लॉग भी एडिट करके डाल रहे हैं, हां फोन चार्ज कर लिया है। हमने सॉरी, मैंने उठी नहीं ना, हमने तो, हाँ हमने फोन भी चार्ज कर लिया गाइस। yes. तो मेरा मंडे को सीए है, होता मंडे को सीए किस चीज का? सही बोला, तो गाइस सीए हमें कौन मिला? फ्री। कौन आपको पहचाना है? आप कौन है पहले ये बताओ। क्या कर रही थी इधर खड़ी, पढ़ाई कर रही? तेरी लगी थी आज पेप प्लस? मेरी भी थी। कितने बजे? बारिश अगर एलपीयू में होती है तो और कहीं ना होती है, और फिर जब और कहीं होती है तो एलपीयू में होती है। कोई बात नहीं, नहीं इसका मतलब ये है कि एलपीयू इतना बड़ा है ना कि अगर यहाँ पे बारिश हो रही है, इसका मतलब पूरी सिटी में बारिश हो रही है, मतलब सिटी जितना है, सिटी जितना है। हाँ, मतलब हम एलपीयू को एक सिटी काउंट कर सकते हैं। हाँ, होंडा सिटी। हाँ, तो गाइस देखो हम बारिश हो रही थी ना, तो हम चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पी लो, अभी पीते क्यों नहीं हो, पियो, पीते क्यों नहीं हो, मारियो जरा कैमरे में, पीते क्यों नहीं, ओए कैमरे पे,
तो वैसे बैक हूँ, मैं ओपी लाइक में वीडियो, और आपको कोई भी एल पी यू में एडमिशन लेनी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे स्ट्रेट अवे पूछ सकते हो इंस्टा पे डीएम करके या फिर कमेंट में लिख के, मैं आपकी सारी क्वेरीज ऐसे ही दूर कर दूँगी। और एग्रीकल्चर और लैब ब्लॉक ज़रूर जाएंगे हम मंडे को, एग्रीकल्चर ब्लॉक जाएंगे तो मिलते हैं, बस कोई पिकअप क्लास ना हो, जब एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना फिर बहुत दिक्कत होती है। बाय।